दोस्तों बॉलीवुड के खिलाड़ी सनी देओल को तो आप सभी जानते ही होंगे। सनी ने अपने करियर में एक्शन, कॉमेडी और रोमांटिक सभी तरह की फिल्मों में काम किया है, जिन्हें दर्शक ने काफी पसंद किया है। एक समय था जब सनी देओल बॉलीवुड पर राज किया करते थे। आज हम आपको सनी देओल से जुड़ी कुछ खास खबरें बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको उन दो अभिनेताओं के बारे में बताने वाले हैं जिसके साथ सनी का झगड़ा हो गया था और इस झगड़े के कारण इनकी दोस्ती के बीच खटास आ गई। नंबर वन, अजय देवगन। अजय देवगन और सनी देओल के बीच लड़ाई फिल्म द लीजेंड भगत सिंह को लेकर हुई थी। इस फिल्म में सनी देओल ने अजय देवगन से अपने भाई बॉबी देओल को लेने के लिए कहा था, लेकिन अजय देवगन ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद सनी देओल और अजय देवगन के बीच खटास आ गई। नंबर टू, आमिर खान। सनी देओल और आमिर खान की फिल्म गदर और लगान एक ही समय पर 15 जून साल 2001 में रिलीज हुई थी। उस समय सनी देओल ने आमिर खान से अपनी फिल्म लगान की तारीख आगे बढ़ाने के लिए कहा था, जिस पर आमिर खान ने उन्हें साफ मना कर दिया। इस घटना के बाद आमिर खान और सनी देओल के बीच मन मुटाव हो गया। दोनों अभिनेता इस घटना से पहले एक दूसरे के अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें अपनी ये राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। तब तक के लिए धन्यवाद।